दोस्तों, आप प्रिंटर रिपेयर करते हैं और रेडी और स्टेशन टू की लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहती है, तो इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप कैलिब्रेशन ट्राई कीजिए। कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कवर को ओपन करना होता है, तीनों बटन एक साथ प्रेस करना होता है, जैसे बीप साउंड आए तो आपको रिलीज करना होता है। उसके बाद से स्टेशन वन दो बार प्रेस करके कवर को बंद कर देना होता है। एक बार स्टेशन टू जब रोलर मूवमेंट करने लगे तो पेपर आप यहाँ पर रखिए और यहाँ पे स्टेशन टू प्रेस करेंगे तो पेपर अंदर लेगा और बाहर इजेक्ट होना चाहिए। नहीं इजेक्ट होता है तो थोड़ा सा ऐसे दबा के ट्राई कीजिए कैलिब्रेशन करने के लिए, आपका कैलिब्रेशन हो जाएगा और ये लाइटें ब्लिंक कर रही है जो रेडी आ जाएगा, ठीक है, रेडी और स्टेशन टू की हट जाएगा जो ब्लिंक कर रहा है। और दूसरा अगर नहीं आपका हटता है तो आप ज़रूर यहाँ पर मैगनेट चेक करिए। मैगनेट अगर प्रिंटर रेडी वगैरह नहीं होता, कभी कभार बटन प्रेस करने से इनिशियलाइज होता है इंजन, तो आप ज़रूर इसको चेक करिए। उसके बाद से दूसरा, यहाँ पे अगर बीप नहीं देता तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये वाला तार यहाँ पे जो लगा होता है आपस में कोई काट के जोड़ देता है, तो ये मैग्नेट नहीं होने के कारण, तो आप ज़रूर वहाँ चेक करिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक कागज़ लगाइए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ पेपर, ठीक है। उसके बाद से दोनों सेंसर के बीच में, उसके बाद से प्रिंटर को आपको नॉर्मली ऑन करना है, फिर चेक करना है। अगर रेडी आ जाए इससे भी प्रिंटर आपका रेडी हो जाता है। तो अभी देखते हैं, तो अभी भी रेडी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा क्या करेंगे और मोटा सा पेज लगाएंगे इसमें, ठीक है, इसको डबल कर देंगे लेयर को। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो कैलिब्रेशन ट्राई करेंगे, ठीक है। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, कैलिब्रेशन करते ही ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर से ज़्यादा। अगर पेपर इन करके बाहर इजेक्ट कर देता प्रिंटर रेडी होने के बाद भी, तो समझिए आपका जो है तार हेड केबल या हेड केबल के सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे पकड़ें दोस्त, तो देखिए तीन बटन हम क्या करेंगे, प्रेस करके ऑन करेंगे, ठीक है। पहले इसे बंद कर देंगे कैलिब्रेशन के लिए, बीप साउंड आएगा तो फिर हम छोड़ेंगे। तो बीप साउंड नहीं आया तो ये जो हमारा कंट्रोल पैनल है ये ख़राब हो सकता है इस केस में, तो हमारा बीप साउंड नहीं आएगा। एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं आया, तो हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे कंट्रोल पैनल से और चेक करेंगे कि हमारा, या देखिए यहाँ पे पेच भी लगा नहीं है और ये सही से पैक भी नहीं है, तो इसको खोलते हैं। फिर बाहर से हम ट्राई करेंगे दूसरे पैनल से, ये हमारा कंट्रोल पैनल होता है। अरे इसमें बटन में तीन बटन काम नहीं करते हैं, तो ये भी सही से वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये तीनों बटन को हम क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, अभी भी इसमें प्रेस करने पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक कंट्रोल पैनल अरेंज करेंगे। देखो दोस्तों, कंट्रोल पैनल रिप्लेस करने से, अभी ऑन करते हैं तीनों बटन एक साथ प्रेस करके, देखिए बीप आ गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, दो बार इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको इस पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लगाना है हमें, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका बटन लगा लेंगे, फिर ये हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो काम करना चालू कर दिया। बदलते रहते, इसमें तीनों बटन स्विच चेंज है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लगा लिया। और इसमें दो पेच लगा लेंगे आते वक्त, इसका जिससे कि ये स्टेबल है।
फॉल्ट समझने के बाद हम आसानी से ठीक कर सकते हैं किसी फॉल्ट को। ओवर साइज पेज लगा रहा है किसी ने। ठीक है, फॉर द टाइम भी हमने यहाँ पे रख लिया, इसे स्टक ना हो। देखिए रोलर मूवमेंट करने लगा। हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी पेज लोड करेंगे। देखिए पेपर ऐसे अंदर में उसे दबा कर रखेंगे, स्टेशन टू दबाएंगे, पेपर अंदर लेगा, बाहर फेंकना चाहिए। देखिए पेपर बाहर फेंक दिया, थोड़ा सा इधर देखा, और फिर दोबारा एंड करेंगे, पेपर प्रिंट करने लगेगा। थोड़ा सा रुक के 2 सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, अब प्रिंटर हमारा रेडी हो जाएगा एक मिनट बाद। और जो हमारा एरर आ रहा था रेडी और इजेक्ट बटन, वो हट जाएगा। कभी कभार आपका बटन ये काम नहीं करता, इसमें थोड़ा सा आईशो डाल दीजिए, काम करना चालू कर देगा। देखिए यहाँ पे कैलिब्रेशन कर दिया और ये लाइन बना देता है, 3 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, टोटल 5 लाइन। और बंद करके चालू करेंगे प्रिंटर हमारा, जो लाइटें ब्लिंक कर रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए रेडी आ गया ऑन पे। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे ऑफ लोकल दबाएंगे तो ऑफलाइन आ जाएगा, और पेज इन करेंगे तो पेज ले लेगा। देखिए पेज लोड कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।